नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब पाकिस्तान में भी तबाही मचा रहा है। आलम यह है कि नए केस बढ़ने के बाद कराची में प्राइवेट अस्पताल भर गए हैं। बेड खाली नहीं होने के कारण मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कहा है कि कराची शहर में कोरोना वायरस के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। प्रांतीय सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बचाव के उपाय नहीं किए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। सिंध की राजधानी कराची में कोरोना के पॉजिटिव होने की दर 25.7% पहुंच गई है। ये पाकिस्तान के कुल 5.25% से 5 गुना है। पाकिस्तान मेडिकल संघ महासचिव डॉक्टर केसर सज्जा शहद ने कहा है कि प्राइवेट ही नहीं सरकारी अस्पतालों की भी हालत बेहद खराब है। वहां भी कभी भी मरीजों की भर्ती बंद की जा सकती है। तो डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में भी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को लौटाया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी अस्पतालों में भी बेड पूरी तरह से भर चुके हैं, बेड खाली नहीं है। ऐसे में स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तो पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। डेल्टा वेरियंट लगातार इसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान खान के एक बयान को लेकर ट्विटर पर भिड़ गई हैं। दरअसल 2 दिन पहले एक सभा में इमरान खान ने नवाज शरीफ की नाती को लेकर एक टिप्पणी की थी। इमरान ने ब्रिटेन के लंदन में नवाज शरीफ के पोलो मैच देखने को लेकर कमेंट किया था। शरीफ अपनी नाती जुनैद सफदर का पोलो मैच देख रहे थे। इसी को लेकर मरियम नवाज और जेमिमा गोल्डस्मिथ के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया। दरअसल लंदन में अपनी नाती के पोलो मैच देख रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तस्वीरों का जिक्र करते हुए इमरान ने कहा था कि गरीब जेल जाते हैं और शक्तिशाली लोग डील करके विदेश जाते हैं और अपने नाती का मैच देखते हैं। आम आदमी पोलो नहीं खेल सकता, ये राजाओं का खेल है। घोड़ा रखने और पोलो खेलने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो बताएं इस प्यारे नाती को ये पैसा कहां से मिला? ये लोगों का पैसा है। तो ट्विटर वॉर देखते हुए नजर आया है इमरान खान की पूर्व बीवियां आपस में झगड़ती हुई नजर आई हैं, जिसकी वानगी ट्विटर पर साफ तौर पर नजर आई है। कोरोना का एक बार संक्रमण होने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में कितने दिनों तक रहती है, इस सवाल का जवाब एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमण के 9 महीने बाद तक शरीर में एंटीबॉडी का लेवल हाई रहता है। चाहे मरीज में संक्रमण के बाद लक्षण दिखे हों या मरीज एक्टिव रहा हो, यह दावा इटली की पडुआ यूनिवर्सिटी और लंदन के इंपीरियल कॉलेज मिलकर की है। पिछले साल फरवरी और मार्च में इटली शहर में 3,000 कोरोना पीड़ितों के डाटा की एनालिसिस की गई। इनमें से 85% मरीजों की जांच की गई। मई और नवंबर 2020 में एक बार फिर मरीजों ने जांच करके एंटीबॉडीज का स्तर देखा गया। जांच में सामने आया है कि जो फरवरी और मार्च में संक्रमित हुए थे उनमें से 98.8% मरीजों में नवंबर में भी एंटीबॉडीज पाई गई है। इंपीरियल कॉलेज के रिसर्चर एलेरिया डोरीगाटी का कहना है कि रिसर्च के दौरान पाया गया है लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले मरीजों में एंटीबॉडीज का स्तर एक जैसा था। ये बात भी साफ हुई है कि कोरोना के लक्षण और संक्रमण को कितना गंभीर देखा गया, इसका एंटीबॉडीज के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा है। पडुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एनरिको लवेजो कहते हैं कि जिस शहर के लोगों को रिसर्च में शामिल किया गया था, मई में वहां की 3.5% आबादी संक्रमित हो चुकी थी। इसमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे। रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि हर 4 में से 1 इंसान ने अपने परिवार में संक्रमण फैलाया है। तो आखिरकार कोरोना होने के बाद एंटीबॉडीज आपके शरीर में कितने दिनों तक रहती है, इसको लेकर रिसर्च की गई है। और साथ ही साथ अब ये दावा किया जा रहा है कि करीब 9 महीने तक अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी रहती हैं, अगर आप कोरोना से संक्रमित होकर रिकवर हुए हैं तो।
चीन की एक प्रांतीय राजधानी में बाढ़ संबंधी घटनाओं में से कम 12 लोगों की जान चली गई। भीषण बाढ़ के कारण लोग सबवे स्टेशनों और स्कूलों में फंस गए हैं, कई वाहन बह गए, कई लोगों को रात भर कार्यालयों में ही रुकना पड़ा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हैनान मौसम एजेंसी के हवाले से बताया कि हैनान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ में मंगलवार शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई बारिश के दौरान करीब 20 सेंटीमीटर तक पानी भर गया। भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और सबवे स्टेशन और गाड़ियां डूब गईं। सामने आई एक वीडियो में शहर पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और वाहन तैरते हुए नजर आ रहे हैं। शिन्हुआ ने बताया कि बाढ़ संबंधी हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है और आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लियोंग शहर में यहीतान बांध पर भी खतरा मंडराया हुआ है जो किसी भी समय गिर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के एक डिविजन को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। वहीं झेंगझोउ एयरपोर्ट ने मंगलवार शाम को घोषणा करते हुए कहा है कि वो एयरपोर्ट से आने जाने वाली मेट्रो और इंटरसिटी ट्रेनों को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है। साथ ही स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे से बुधवार को दोपहर 12 बजे तक आने वाली उड़ानों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो मध्य चीन में बाढ़ से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ की वजह से चीनी नागरिक काफी ज्यादा अफरा तफरी के माहौल में नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव की टीम जो है लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें मध्य चीन की है जहां पर सबवे पूरी तरह से डूब गए हैं, गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही है, कई बांध टूट गए हैं और अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर होते हुए नजर आए हैं। जेफ बेजोस ने घंटी बजाई और फिर सभी साथियों के साथ कैप्सूल पर सवार हो गए। फिर शुरू हुई उनकी स्पेस यात्रा। जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट में वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:42 पर उड़ान भरी। इसके कैप्सूल में 6 सीटें थी लेकिन इसमें से सिर्फ 4 भरी गई थी। जेफ बेजोस और उनके साथी धरती से 105 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक गए थे। बेजोस और उनकी टीम जिस रॉकेट शिप से गए वो ऑटोनॉम्स है, यानी उसे पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। रॉकेट के 80 किलोमीटर ऊपर पहुंचते ही कैप्सूल उससे अलग हो गया था। जिस समय कैप्सूल 26 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आ रहा था उस वक्त पैराशूट खुल गए। नीदरलैंड के 18 साल के ओलिवर डेमन पैसे देकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ग्राहक बने हैं। हालांकि टिकट के मूल्य के बारे में नहीं बताया गया, डेमन अंतरिक्ष जाने वाले सबसे युवा शख्स भी हैं। कैप्सूल भारतीय समय अनुसार 6:53 पर जमीन पर लैंड हुआ। इसमें सबसे पहले जेफ बेजोस बाहर निकले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगा लिया और उसके बाद काफी ज्यादा प्यार बरसाया। जेफ बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। इसके बाद से ही न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट एक दशक से प्रोटोटाइप्स का टेस्ट कर रहा था। हालांकि आज की स्पेस यात्रा मानव चालक दल के साथ पहली फ्लाइट थी। 20 जुलाई का दिन स्पेस यात्रा में इसलिए भी खास रहा क्योंकि आज ही के दिन 52 साल पहले अपोलो 11 ने चांद पर लैंड किया था। वहीं रॉकेट और कैप्सूल का नाम 1961 के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड के नाम पर भी रखा गया है जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है लेकिन तस्वीरें बता सकती हैं कि कितने ज्यादा जेफ बेजोस खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में बुधवार को उसके वकीलों ने लंदन में उच्च न्यायालय से कहा है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के व्यापक असर के कारण उसके आत्महत्या कारण की आशंका बढ़ गई है। भारत पर्यापित किए जाने के बाद नीरव को इसी जेल में रखे जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति मार्टिन चेम्बरले ने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आगे की सुनवाई में फैसला होगा कि पूर्व में जिला न्यायाधीश सैम गुज द्वारा प्रत्यर्पण के आदेश और अप्रैल में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा इसे मंजूरी दिए के खिलाफ
लंदन में उच्च न्यायालय में इस पर पूर्ण सुनवाई करने की आवश्यकता है या नहीं। पंजाब नेशनल बैंक से 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में नीरव वांछित है। दक्षिण पश्चिमी लंदन में वेंटवर्थ जेल में कैद नीरव डिजिटल तरीके से सुनवाई में शामिल हो रहा है। भारतीय प्राधिकारों की तरफ से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की वकील हेलन मेलकम ने अपील का विरोध करते हुए कहा है कि नीरव की मानसिक स्थिति पर कोई वाद नहीं है और भारत सरकार से आश्वासन मिला है कि जरूरत हुई तो मुंबई में उसकी समुचित चिकित्सीय देखभाल होगी। उन्होंने कहा है कि राजनयिक स्तर पर इस तरह के आश्वासन का कभी उल्लंघन नहीं होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री की तरफ से पेश वकील ने भी यही दलील दी है। तो प्रत्यर्पण के बाद आत्महत्या की कोशिश ना कर ले, ऐसे में वकील जो है वो लगातार आशंका जताते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नीरव मोदी के वकील हैं। पाकिस्तान ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक ऐप पर एक बार फिर बैन लगा दिया है। आपत्तिजनक सामग्री परोसने के आरोप में पाकिस्तान ने बुधवार को टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया। पाकिस्तान की एक अदालत के आदेश के बाद इससे पहले इसी महीने 2 दिन के लिए इस ऐप को बैन किया गया था। हालांकि यहां कई वकील देश में सरकारी सेंसरशिप और पाकिस्तान के इंटरनेट और मीडिया पर नियंत्रण बनाने को लेकर समय समय पर आलोचना करते रहे हैं। चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करने को लेकर यहां टेलीकॉम अथॉरिटी ने कहा है कि यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि टिकटॉक पर लगातार आपत्तिजनक सामग्रियां अपलोड की जा रही थी और शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। बहरहाल इस प्रतिबंध को लेकर टिकटॉक के जनप्रतिनिधि की तरफ से अभी कुछ भी कहा नहीं गया है। बता दें कि पाकिस्तान में टिकटॉक के उपयोगकर्ता बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। कई लोग यहां इस ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन सामान बेचने के लिए भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में टिकटॉक की आलोचना भी होती है। टिकटॉक पर गंदी सामग्रियां और LGBTQ कंटेंट परोसने के आरोप लगते हैं। जून के महीने में टिकटॉक ने करीब 6 मिलियन वीडियो को डिलीट किया था। ये कार्रवाई आम यूजर्स और अधिकारियों की शिकायतों के बाद की गई थी। आपको याद होगा कि 2020 में भारत ने भी टिकटॉक को अपने यहां बैन कर दिया था। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच अमेरिकी सेना की वापसी अब भी जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि अफगान के साथ 20 साल चली इस जंग में आखिर हासिल क्या हुआ है। इस पर बहुत से सैनिक मानते हैं कि अमेरिका यह युद्ध हार गया है। अमेरिकी सैनिक जेसन लाइली ने देश के सबसे लंबे युद्ध में बहाए गए पैसे और खून पर अफसोस भी जाहिर किया है। वॉशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट में जेसन लाइली ने ये बातें कही हैं। जेसन लाइली कहते हैं, हम ये युद्ध हार गए हैं 100%। मकसद तो तालिबान का सफाया था और वो हमने हासिल ही नहीं किया। तालिबान फिर से देश के कब्जे पर लगा हुआ है। लाइली अमेरिका के मरीन रेडर नाम के विशेष बल का हिस्सा थे। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में कई अभियानों में हिस्सा लिया। लाइली जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने के फैसले के बारे में सोचते हैं तो जितना उन्हें अपने देश पर प्यार आता है उतनी ही राजनेताओं के प्रति नफरत भी जागती है। वे कहते हैं कि उन्होंने जो साथी इस युद्ध में खोए वे बेशकीमती थे। वही लाइली के साथी 34 वर्षीय जॉर्डन लेयर ने कहा, उनके साथी इराक और अफगानिस्तान कभी ना जीतने वाला वियतनाम मानते हैं। लाइली और लेयर के अलावा और भी कई सैनिक इसी तरह की सोच रखते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान से भारतीय सेना जो है वो अमेरिकी सेना जो है वो वापसी करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लगातार तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी लगातार हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिकी नौसेना ने अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेनरल जी-4 के ट्रायल के दौरान एक बार फिर से समुद्र में भूकंप ला दिया। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट का दूसरा इनवर्टर शॉक ट्रायल पूरा हो चुका है। हालांकि पहले तकनीकी कमियों के चलते इसे रोकना पड़ा था। यूएसएस ग्रेराल्ड आर-4 ने कुछ 100 मीटर की दूरी पर हजारों किलोग्राम के बम का विस्फोट किया। ये धमाका इतना तेज था कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूदा लोगों के लिए अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया। यहां तक कि यूएसएस जेराल्ड आर-4 पर 3.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसका पहला शॉक ट्रायल पिछले महीने 18 जून को किया गया था। उस समय भी फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में सुनामी जैसा माहौल बन गया था। दूसरे ट्रायल के कुछ वीडियो बुधवार को शेयर किए गए। यूएस जेराल्ड आर-4 के कुल 3 शॉक ट्रायल होने हैं। ट्रायल्स के दौरान अमेरिकी नौसेना
इस एयरक्राफ्ट कैरियर की युद्ध क्षमता की जांच करना चाहती है। तीनों ही ब्लास्ट पानी के भीतर होने हैं, वो भी जहाज के पास। हर ब्लास्ट के बाद क्रू सदस्य फोर्ड के सभी बड़े शिप सिस्टम की जांच करेंगे। जांच के दौरान वे सुनिश्चित करेंगे कि ब्लास्ट से जहाज को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे आसपास के इलाकों को जरूर नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहला ट्रायल हो चुका है, दूसरा ट्रायल अभी हुआ है जिसमें समुद्र में सुनामी जैसे हालात हो गए हैं और कई बार भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। तो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के शॉक से पूरा समंदर कांपता हुआ नजर आया है। विस्फोट से 3.9 तीव्रता का भूकंप आसपास के इलाकों में देखा गया है। हालांकि समुद्र में यह विस्फोट किया गया, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों तक देखा गया। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर को एक और सौगात मिलने जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूती सूर्यनगरी में प्रदेश का पहला फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट स्थापना होने जा रहा है। यह फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट पुलिस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। यह इंस्टीट्यूट गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से खोला जा रहा है। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। आगामी 2 महीने के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर स्टडी कोर्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को कम करने में ये फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट बहुत अहम साबित होगा। अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ने में सबसे अधिक भूमिका फॉरेंसिक सबूत जुटाने की होती है। ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता रहती है। हालांकि जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं उतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट फिलहाल प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस इंस्टीट्यूट के शुरू होने से जोधपुर के साथ साथ अन्य जिलों में भी अपराधियों को पकड़ने में इंस्टीट्यूट काफी अहम भूमिका निभाएगा। कुछ ही सप्ताह में इंस्टीट्यूट में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और प्रारंभिक स्तर पर 2 कोर्स खोले जाने की संभावना बनी हुई है। तो फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है जोधपुर में, जिसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में फॉरेंसिक टीम को इससे बेहद राहत मिलेगी। भारत में पेगासस जासूसी मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अपने प्रमुख स्पाई वेयर के कथित दुरुपयोग पर वैश्विक खुलासे से करीब 3 सप्ताह पहले इसराइल ने NSO समूह से एक नीति दस्तावेज में ये माना था कि पेगासस के ग्राहक कुछ देश और देश की एजेंसियां हैं। जून को तैयार किए गए एक नीति दस्तावेज में कहा गया कि NSO समूह के 40 देशों में 60 ग्राहक हैं, इनमें से 51% खुफिया एजेंसी, 38% कानून संबंधी संस्थाएं और 11% सैन्य ग्राहक हैं। इस रिपोर्ट का विषय ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्ट 2021 है। इस रिपोर्ट में NSO समूह के स्पायरवेयर के जरिए नेताओं, गैर संगठन, पत्रकारों और वकीलों और अन्य के खिलाफ संवादित दुरुपयोग के बारे में बताया गया है। तो भारत में पेगासस मामले पर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। NSO समूह की रिपोर्ट में इसे लेकर मानवाधिकार पर खतरे की बात भी कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून प्रवर्तन से संबंधित कारणों से, जैसे कि मुकदमेबाजी के समर्थन में या ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तियों के लिए शर्मनाक हो सकती है, या देश और देश की एजेंसियों से जुड़े अधानिकृत कर्मियों के संभावित दुरुपयोग भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत में लगातार पेगासस को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इसराइल की 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें साफ देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं फोन हैकिंग हुई है। सरकार के चौथे सिरो सर्वे में सामने आया है कि करीब 67.6% नागरिकों में SARS COVID-2 के खिलाफ संक्रमण या टीकाकरण के जरिए एंटीबॉडीज तैयार कर ली गई हैं। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि देश की आधी आबादी इम्यूनिटी प्राप्त कर चुकी है। हालांकि सरकार ने यात्रा को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरा टीकाकरण नहीं होने तक किसी को भी इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। जुलाई के पहले सप्ताह से ही कई राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा बाजार में भी खरीदी के लिए लोगों की
भीड़ जुटने लगी है। सरकार ने 7 पॉइंट एडवाइजरी में मंगलवार को कहा है कि गैर जरूरी यात्राओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही कई राज्यों में भी यात्रा के नियमों में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कलर कोड प्लान तैयार किया है। इसके तहत यात्रियों को पीला, एम्बर, नारंगी और लाल रंगों में रखा जाएगा। हर वर्ग के यात्रियों को अलग अलग नियमों का पालन करना होगा। 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों के यात्रियों के लिए लाल रंग होगा। वायरस के नए म्यूटेंट का सामना कर रहे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से आने वालों को दोनों डोज प्राप्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। ये जांच 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जानकारी नहीं देने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। तो थर्ड वेव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसकी वानगी लगातार देखने के लिए मिल रही है। 7 बातें सामने आई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्य को अलग अलग कलर देकर बांटा गया है। भारतीय तट रक्षक बल के एमवी हरमीज ने बुधवार ईंधन में प्रदूषण के कारण गुजरात के उमरगांव में फंसे एमवी कंचन के ड्राइवर दल के 12 सदस्यों को निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई में भारतीय तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को 21 जुलाई दोपहर को DGCOMM केंद्र से सूचना मिली कि एमवी कंचन 12 भारतीय चालक दल के साथ गुजरात के उमरगांव में फंस गए हैं। ईंधन में प्रदूषण के कारण जहाज का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था और जहाज पर बिजली की सुविधा भी नदारद थी। 50 नॉट तक की हवाओं और 3.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली लहरों के चलते क्षेत्र में मौसम खराब था। शाम को जहाज के मास्टर ने बताया कि एमवी कंचन ने लंगर गिरा दिया और दाएं की ओर झुका हुआ था। एमआरसीसी मुंबई ने एमवी कंचन की सहायता के लिए आसपास के सभी जहाजों की पहचान करने के लिए तुरंत इंटरनेशनल सेफ्टी नेट एक्टिव कर दिया है। ISN का एमवी हरमीज ने तुरंत जवाब दिया और वो संकट ग्रस्त जहाज की ओर मुड़ गया। खराब मौसम में एमवी हरमीज ने रात में एमवी कंचन के सभी 12 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो समुद्र के बीच ही जहाज खराब हो गया, जिसके बाद स्थिति काबू करने के लिए यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के 12 लोगों को बचाया गया है। राजस्थान में एक कस्बा ऐसा भी है जहां की महिलाएं करीब 40 वर्षों से शमशान घाट से पीने का पानी ला रही हैं। मामला भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के 3-4 इलाकों से जुड़ा हुआ है। यहां शमशान घाट में एक तरफ चिता जहां जलती रहती है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं वहां से पानी भरती रहती हैं। जलदाय विभाग की ओर से इलाके में सप्लाई किए जाने वाले पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण लोग उसे पीते नहीं हैं। फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि दूध में डालने से वह फट जाता है, इसलिए स्थानीय लोग इस पानी को केवल नहाने धोने के काम में लाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जलदाय विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की, लेकिन किसी के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। बयाना कस्बे के बामनपुरा, महादेव गली, गगरपाड़ा और कच्चीपाड़ा इलाकों में करीब 100 परिवारों के सामने पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इन परिवारों की महिलाएं को पीने का पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट जाना पड़ता है। ये समस्या इन परिवारों के सामने करीब 40 वर्षों से है, लेकिन पिछले 15 सालों से ना तो इस समस्या का कोई भी समाधान हुआ है और ना ही इस पर कोई ध्यान दे रहा है। महामारी घोषित हो चुका कोरोना वायरस न सिर्फ लोगों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि इससे उबरने वाले लोगों के शरीर के लगभग हर अंग में कुछ ना कुछ परेशानी छोड़कर जा रहा है। फेफड़ों पर असर के बाद लोग कोविड के रूप में शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं कोरोना लोगों के दिमाग पर भी वार कर रहा है। भारत में कोविड से ठीक होने वाले लोगों में दिमाग और तांत्रिक संबंधी कई बीमारियां सामने आ रही हैं। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बड़ी संख्या में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। खास बात यह है कि कई डिसऑर्डर्स इतने सामान्य लक्षणों के साथ हैं कि ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये कोरोना के बाद पैदा हुआ डिसऑर्डर है, सरदर्द है, इन्हीं में से या फिर एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर होने वाला सरदर्द एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। वहीं दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने बातचीत में बताया कि कोरोना आने के बाद विदेशों में न्यूरो संबंधी समस्याएं सबसे पहली देखी गई हैं, लेकिन अब भारत में भी कोरोना से उबरने वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कोरोना का कहर अब दिमाग पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और आपको सरदर्द हो रहा है तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें।
महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे जगह जगह जल जमाव के कारण सड़क यातायात के साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के कसारा घाट में भी भारी भूस्खलन हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस भूस्खलन और भारी बारिश के कारण मुंबई का संपर्क नासिक और यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों से टूट गया है। दरअसल इसी रेल लाइन के जरिए मुंबई से ट्रेनें यूपी बिहार और अन्य राज्यों में जाती हैं। रेल के कोंकण खंड की ओर से जानकारी दी गई है कि चिपलूनी और कमाथे रेलवे स्टेशनों के बीच वशिष्ठ नदी पर बने पुल पर भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है। ये रत्नागिरी सेक्शन में आता है। इस कारण खतरे को देखते हुए इस लाइन पर यात्री ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में यात्री भी फंसे हुए हैं। रेलवे इन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद से रेल सेवा फिर से शुरू हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।